शायद व्हाइट हुंस गंधारा में सब कुछ बर्बाद करने ही आए थे। उन्होंने रस्ते में आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद कर डाला, चाहे वो मूर्तियां हों या इंसान। Hi there, my name is Amrez. I'm actually on one of the oldest site of Buddhism here in Pakistan, the Dharmaji ka stupa. These are the basically meditation room. मैं इस टाइम Dharmaji ka stupa, यानी धर्म राजा stupa पे। धर्म राजा बुद्धा का एक लकब था और साथ ही सम्राट अशोका को धर्म राजा के नाम से भी पहचाना जाता था। कहा जाता है कि 300 साल कबल अज मसीह में अशोका ने इस बुद्धिस्ट मोंटेसरी की बुनियाद रखी। यह गंधारा का सबसे पाक स्टूपा कहलाया जाता था, क्योंकि बुद्धा के ध्यान के बाद इस स्टूपा में बुद्धा की राख को मिलाया गया। स्टूपा के चार दरवाजे हैं और तमाम दुनिया से बुद्धिस्ट इस मकाम पे आते हैं और क्लॉकवाइज सात चक्कर लगाते हैं और दुआ मांगते हैं। 19वीं सदी में सर मार्शल ने इस कदीमी वर्से को खुदवाया और एक पत्थर मिला जिसमें खरोश्ती जुबान में लिखा था कि 78 साल कबल अज मसीह में बुद्धा के राग को इस स्टूपा में रखा गया। इस मकाम पे मंक्स के बहुत सारे स्टूपे हैं और खुदाई के दरमियान यहां पे हर साइज के कंकाल मिले। शायद व्हाइट हुंस वो जालिम कौम थे, उन्होंने हर चीज को तबाह और कत्लो गारत की। यहां छोटे छोटे मेडिटेशन रूम्स हैं जहां बुद्धिस्ट मेडिटेट किया करते थे। एक दिन जब बुद्धा से किसी ने सवाल किया कि आपने मेडिटेशन से क्या हासिल किया, तो बुद्धा ने जवाब दिया, कुछ नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने क्या कुछ खोया। मैंने गुस्सा, गम, जज्बाती लगाव और मौत से छुटकारा हासिल किया। बुद्ध के कुछ खास अकवाल जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस जहान में हर किसी को अपने इल्म का गरूर है, लेकिन अपने गरूर का इल्म नहीं। बुद्ध ने हमेशा सच बोलना सिखाया और कहा, अपने अल्फाज से किसी को तकलीफ नहीं देना, मेडिटेशन करना, अपने ख्यालात पे काबू पाना, बुराई का कभी सोचना भी मत, दूसरों के लिए अच्छा ही करना और अपनी जिंदगी को इज्जत देना। बुद्ध फरमाते हैं कि अपने अंदर गुस्सा रखना ऐसा ही है कि आप खुद जहर पिए और दूसरे के मरने की उम्मीद रखें।